Good morning, students. Myself Rinj Kumar Verma. Today I am going to teach you grade 2 maths chapter 4 multiplication. Now, what is multiplication? Adding groups containing identical and same number of objects repeatedly is called multiplication. ठीक है, ऐसे groups जिसमें same number हो, identical हो, या फिर जो है आपके आइडेंटिकल डिफरेंट हो, या फिर जो है आपके सेम नंबर हो, ये सारे नंबर को जब हम लोग कोई रिपीटेडली एक साथ रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे नंबर को जो हम लोग रिपीट करते हैं बार बार, ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. ठीक है, नाउ जैसे 2 + 2 + 2 अगर हम लोग कर दें तो क्या है ना, सेम नंबर है, सेम नंबर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया. आप प्लस करके भी ले आ सकते हैं 6. अब आप क्या करेंगे, 2 को जो है यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 2 × 3 = 6 हो गया, है ना. मीन्स एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे जो है आइडेंटिकल टर्म भी हो सकते हैं, है ना, सेम नंबर भी हो सकते हैं, और उस ग्रुप को जो है रिपीटेड जो पूरे जो नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, ये रिपीटेडली, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेशन. नाउ रिपीटेड एडिशन मेथड में क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, कोई भी एडिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन, कोई भी नंबर को बार बार अगर हम लोग रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटेड एडिशन कहते हैं. ठीक है, सपोज दैट आपके पास यहाँ पे है 3 + 3 + 3 + 3, है ना, इज इक्वल टू 3 + 3 = 6 + 3 = 9 + 3 = 12 आपके पास है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 कितना टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 बार है. ठीक है, तो आपको 3 × 4 भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास भी 12 आएगा. मीन्स आप 3 × 4 लिखें, या फिर जो है ये कितना है, 4 टाइम्स आप 4 × 3 लिखें, एक ही चीज़. ठीक है, तो ये होता है आपका रिपीटेड, है ना, रिपीटेशन, है ना, रिपीटेशन ऑफ सेम नंबर. अगर और भी एग्जांपल्स लेके बताऊँ, जैसे 5 है + 5 है + 5 है + 5 है, अपने पास ये कितना आ गया, 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 5 = 20 अपने पास आ गए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको 5 कितने टाइम्स आए हैं आपके, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, तो आप इसे 5 × 4 लिख लेंगे. ठीक है, तो 5 × 4 आपके पास कितना आ गया, 20 आ गया. ठीक है, तो या तो फिर आप 4 × 5 भी लिख सकते हैं. ठीक है, आगे हम लोग जब 4 अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग 4 + 4 + 4 + 4 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स अगर हम लोग लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास भी 20 आएगा. यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 4 कितना टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स, तो 4 × 5 भी लिख, ये अपने पास क्या आएगा, 20 आ जाएगा. ठीक है, नाउ आगे हम लोग देखेंगे कि जो है ये अपने पास हो गया रिपीटेड एडिशन. अब है मल्टीप्लिकेशन ऑन ए नंबर लाइन. ठीक है, हम लोग नंबर लाइन पे जो है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. सपोज दैट आपके पास दिया हुआ है 2 × 3, 2 × 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, किस पे, नंबर लाइन पे करना है. तो 2 × 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 3 लिख सकते हैं. 3 जो है कितना टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 3, या तो फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर 2 है कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2 + 2 + 2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, या तो फिर जो है 3 को 3 टाइम्स भी, 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 3 + 3. ठीक है, तो आप एज इट इज जैसे है वैसे कर सकते हैं. तो 3 + 3 कितना हो गया, 6. तो आपको जब मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर लाइन पे, तो एट फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले एडिशंस में चेंज कर लेंगे. ठीक है, तो आप लोग एडिशंस, अब आप लोग को पता है नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन को पहले एडिशन में चेंज कर लेंगे, और फिर एडिशन से जो है मल्टी नंबर लाइन पे अपडेट करेंगे. जैसे 3 + 3 है, तो आप 0 से पहले 3 जाइए. ठीक है, फिर जो है 3 से आपको कितना आगे जाना है, 3 और आगे जाना है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ से आप लेंगे 3. ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे भी आपने +3 किया, यहाँ भी जो है आपने के पास जो है +3 किया. ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा. ठीक है, दूसरे भी कंडीशंस में आप कर सकते हो. अगर आपको जो है 4 × 2 करना है, 4 × 2, ठीक है, 4 × 2 अगर मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर लाइन पे, तो पहले ये इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग चेंज कर लेंगे एडिशन में, तो आप इससे क्या लिख सकते हैं, 4 + 4 लिख सकते हैं. ठीक है,
आप इसे क्या लिख सकते हैं 4+4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको 4+4 को अगर लिखने के लिए यहाँ से आप 0 से क्या करेंगे, पहले 4 में जाएंगे, ठीक है, और फिर जो है 4 से आप जो है 8 में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 0 से 4 यहाँ पे हम लोग +4 गए, और फिर यहाँ से जो है 4 के बाद हम लोग 4 स्टेप और गए, तो यहाँ पे कितने पे पहुँच गए, 8 पे, तो 4 × 2 कितना होंगे 8। ऐसे करके जो है आप लोग जो है ये एडिशन कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में दिया हो रहेगा, पहले आपको एडिशन में चेंज कर लेना, और फिर जो है रिपीटेड एडिशन मेथड से जो है आप कर सकते हो, और इसको नंबर लाइन पे इजीली आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये तो हो गया आपको मल्टीप्लिकेशन ऑन ए नंबर लाइन पे। अब आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है 2 से 5 से और 10 से, तो हम लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को टेबल जो है 2 से 10 तक आप लोग को जानना जो है बहुत ही ज़रूरी है। 2 से 10 तक आप लोग टेबल प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे और लर्न करोगे, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखेंगे कि हाउ वी मल्टीप्लाई बाई 2, 5 और 10। मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर है हम लोग लेंगे 2 से, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, है ना। एनी नंबर 5 को अगर 2 से करेंगे तो कितना होगा, हम लोग के पास क्या आ जाएगा 10 आएगा, यानी एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, इट्स कम दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इसे कर लेंगे, 2 मीन्स क्या हो गया, डबल, डबल मीन्स 2 टाइम्स इंटू हो रहा है। अगर मैं सपोज करूं कि 25 × 2 या 2 टाइम्स ऑफ 25, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ 25, 2 टाइम्स 2 हो गया, इंटू टाइम्स को हम लोग इंटू करते हैं और 25, तो ये कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया, है ना। तो 2 को हम लोग क्या कहेंगे, डबल भी कहेंगे, है ना, डबल, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास जो है 2 टाइम्स, ठीक है। नाउ ऐसे जो है हम लोग अगर आपको 2 टाइम्स बोल दें, डबल ऑफ आपके पास आ जाए, डबल ऑफ, डबल ऑफ 5, डबल मीन्स 2, तो 2 × 5 = 10, तो ये जो है आपके मल्टीप्लाई बाय 2 है। आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पता है, ठीक है, इसके बाद मैं करवाता हूँ 2 के बाद में 5। अगर मल्टीप्लिकेशंस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ नंबर हो गया। सपोज दैट अगर हम लोग 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है, अगर 6 को 1 से करेंगे तो 6 होगा, यानी कोई भी नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट सेल्फ नंबर ही आएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी नंबर को, एनी नंबर, इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय 0, अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा रिजल्ट। जैसे सपोज दैट 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 10 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो इसमें रिजल्ट में हमारा कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर 2 × 5 लिखेंगे या 5 × 2 लिखेंगे तो दोनों का रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो इससे हमारे रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये जो है आपके पास जो है ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज थे। आगे हम लोग 2 का देख लें, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अगर हमको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 5 है, 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से कितना होगा 25, या 5 टाइम्स देते या 5 बार ही आपको करना है, ठीक है। इससे जो है अगर आप रिपीटेड में भी कर सकते हैं, 5+5+5 5 टाइम्स जो है आप लिख करके जो है कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा 25 5 10 10 5 15 15 5 20 25 प्लस 5 25, ठीक है। तो आपको जो है मल्टीप्लाई बाय 5 में कुछ भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आप जो है इसे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
नाउ आपको मल्टीप्लाई बाय 5 हम लोग सीख लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 5 टाइम्स मीन्स 5 स्टेप आगे जाएंगे, या 5 टाइम्स अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 5 टाइम्स ऑफ 3, 5 टाइम्स मीन्स आपको 5 गुना करना है, 5 3 15, ठीक है। 5 स्टेप अगर आपको बोला जाए 5 स्टेप आपको आगे जाना है ना, या 5 आपको जो है टेक्स्ट लिखना है, राइट करना है, तो ये जो है हम लोग 5 स्टेप 5 बार या 5 को रिपीट करेंगे, ठीक है, 5 बार। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10, अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मल्टी समथिंग इफ यू मल्टीप्लाई 25 बाय 10, ठीक है। तो आपने इसके पहले मैं बताया हूँ है ना प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो ये 25 को अगर 10 से करना है तो 25 को सिर्फ 1 से कीजिए, तो 25 आगे 10 तो 10 लगा दीजिए। 10 मीन्स कोई भी नंबर से, अगर हम कोई भी नंबर को एनी नंबर इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय 10 है ना, वी पुट देम 10 इन राइट प्लेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, वी सिंपली गॉट द आंसर। नाउ जैसे अगर 256 आपके पास अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज होता है 256 आगे जो है 10 तो 10 आप लगा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे जो है आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से अगर 1 से करते हैं तो 10 हो जाए 10 होता है, 10 को 2 से करते हैं तो 10 टू जो 20 होता है, 10 को यहाँ पे 3 से करते हैं तो क्या होता है, एज इट इज़ नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और सब में क्या हो रहा है 10 लग रहा है। 10 इंटू 4 करेंगे तो क्या अपने पास आएगा, 4 लिख देंगे 0, यहाँ पे देखिए 10 20 30 40 आ गया है आपका 50, ठीक है। तो आप जो है एनी नंबर कोई भी नंबर से अगर हम लोग 10 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, उसके राइट प्लेस में 10 को ऐड कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है आप लोग का जो है मल्टीप्लाइड बाय ये 10 था, 2 था, 5 था, ये जो है आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। 2 डिजिट आप लोग जो है मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, जो है आप लोग को अगर क्वेश्चंस में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं नंबर लाइन पे है, ठीक है। आई होप आप लोग जो है कर सकते हो कम्प्लीटली, आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को जो है रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए 4 × 3 कितना है तो आप 12 लिख सकते हैं, है ना, 2 × 5 आ जाए तो 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 2 × 0 आ जाए तो आपको प्रॉपर्टी मैंने बता दिया कि 2 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कंप्लीट कर सकते हो, आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आई होप यू ऑल ऑफ यू कंप्लीट इट, आप लोग कर लोगे। थैंक यू।